आप सही बच्चों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है भाई सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में, सारे थ्योरम्स के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता ना सर्कल के बारे में, उसको भी सारी नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। अब सर्कल तो यार सभी ने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? यस मैम, देखा है। तो भाई कैसा होता है आपका सर्कल? दिस इज योर सर्कल। ठीक है, ये आपका सर्कल होता है। अब सर्कल के बीच में एक चीज़ होती है, क्या होती है, क्या होती है मैम? एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोल देते हैं प्यार से। क्या बोलते हैं भाई? सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं मैम। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब अगर हम मान लो रेडियस, यहाँ पर भी हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया, अभी जो दो बार रेडियस है मतलब दोनों रेडियस को मिला के हमारे पास क्या बनता है? डायामीटर बनता है। क्या बनता है? डायामीटर। ठीक है, डायामीटर बनता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपके पास ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है ना, ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं मैम? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आएगा? यस मैम। अब आपके पास फिर से एक सर्कल है। अब मान लो सर्कल के यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया एक लाइन से, तो इस लाइन को हम बोल देते हैं कॉर्ड। क्या बोल देते हैं भाई? कॉर्ड बोल देते हैं। कॉर्ड कहीं पर भी हो सकती है, यहाँ से लेके यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलो आ जाओ। अब कुछ लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलने वाली। ठीक है, टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? अब देखो यार, सपोज फिर से आपके पास एक सर्कल है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे मान लेते एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को, सिर्फ इस पॉइंट को जो लाइन टच करती हुई जा रही है इसको हम क्या बोल देते हैं? क्या बोलते हैं भाई? टेंजेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेंजेंट बोल देते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना जिस पॉइंट को टच करती हुई जा रही है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ आ गई बात? ठीक है, तो टेंजेंट कहीं पे भी हो सकती है सर्कल पे, मतलब सर्कल के बाहर होगी, मतलब सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को टच करती हुई जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस तरह से फिर यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी हो सकती है, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती हैं सर्कल पे। ठीक है, चलो अब समझते हैं थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? थ्योरम के बारे में। पहली थ्योरम क्या कहती है, बहुत ध्यान सुनना। थ्योरम कहती है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देख रहे हो कितनी बार इसका प्रूफ पूछा गया, तो मैं यहाँ पे प्रूफ भी कराने वाली हूँ। देखो फिर से आपके पास एक सर्कल है, फिर से आपके पास एक क्या है? सर्कल है। ये रहा आपके पास सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास फिर से एक टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट है, यहाँ पे आपके पास रेडियस है, रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या गिर रही है, मतलब रेडियस से वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे गिर रही है, मतलब टेंजेंट पे गिर रही है। अब अगर मान लो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे या टेंजेंट पे गिरती है तो ये जो होता है किस क्या कैसा डिस्टेंस बनाता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता है। मतलब ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है दोनों, क्या रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को क्या होती है? परपेंडिकुलर। समझ आया? दोबारा समझो कि अगर मान लो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे या टेंजेंट पे गिरती है तो वो कैसे डिस्टेंस बनाती है? परपेंडिकुलर। मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। दिस इज योर 10.1 थ्योरम। अभी क्यों होती है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मान लो कोई भी लाइन है उसका जो डिस्टेंस है बेटा वो शॉर्टेस्ट है, वो लाइन शॉर्टेस्ट है, तो उसको हम कह देते हैं वो परपेंडिकुलर भी होगी। कैसी होगी भाई? परपेंडिकुलर भी होगी। कॉन्सेप्ट समझ लो, थ्योरम समझ लो, ये दोनों ही है। ठीक है, अगर कोई भी लाइन शॉर्टेस्ट है तो उसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो लाइन है जो सेंटर से आ रही है ये सबसे छोटी लाइन है, ये सबसे छोटी लाइन है। अगर ये छोटी है तो मतलब ये ऑब्वियसली बात है परपेंडिकुलर तो होगी होगी, है ना। तो अब यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करने का काम करते हैं। पॉइंट कैसे प्लॉट करोगे? यहाँ पे वो ले लो, ठीक है, यहाँ पे ए बी टेंजेंट ले लो, यहाँ पे सी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मान लेते एक लाइन है जो कि यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्या है? एन है। ठीक है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है। अब क्या करना है हमें? प्रूफ ये करना है। मैं यहाँ पे प्रूफ लिख देती हूँ। क्या हमें प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओ सी है इस परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने का काम करते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे बिल्कुल छोटी सी बात बताएंगे आप सभी। क्या बताएंगे भाई? कि एक बात बताओ कि जो ओ सी है, ओ सी जो है क्या वो ओ एम के इक्वल है? क्या जो ओ सी डिस्टेंस है, बहुत ध्यान सुनो, ये वाला जो है क्या वो ओ एम के इक्वल है? यस मैम। क्यों? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। क्या है भाई? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है मैम, इतनी बात तो हमें क्लियर है, इतनी बात तो हमें क्लियर है। ठीक है, अब एक और बात बताओ, क्या एक और बात बताओ, क्या ओ एन जो है वो ग्रेटर देन है ओ एम से?
जो बड़ी वाली लाइन है वो क्या इससे ग्रेटर देन है? यस मैम। अब एक बात बताओ, ओ एम जो है बेटा वो ओ सी के इक्वल है, तो क्या हम ओ एम की जगह ओ सी को रिप्लेस कर सकते हैं? कर दिया। मतलब फिर से ये कह रहा है कि जो सेंटर से जो लाइन जा रही है टेंजेंट पे, वो क्या है, छोटी है किससे? ओ एन से। मतलब ओ एन बड़ा है, ओ सी छोटी है, यही कहना चाह रहा है ना? ठीक है। अब एक और लाइन सुनो, एक और लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, मान लेते सपोज यहाँ पे ड्रॉ करिए, पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है। फिर से एक बात बताओ, फिर से एक बात बताओ, क्या जो ओ सी है क्या वो ओ पी के इक्वल है? ओ सी ओ पी के इक्वल है, यस मैम। क्यों? रेड आई। ठीक है, रेड आई लिख देती हूँ सिर्फ मैं यहाँ पे। फिर से एक बात बताओ, क्या ओ सी ओ पी के इक्वल है, तो क्या मैं ओ सी की जगह ओ पी रख सकती हूँ? क्या मैं ओ सी की जगह ओ पी रख सकती हूँ? यस मैम आप रख सकते हो, यस मैम आप रख सकते हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, या ऐसे कह लो कि आपके पास ओ क्यू लाइन है। क्या बेटा आपके पास ओ क्यू लाइन है? ओ क्यू लाइन है वो ग्रेटर देन है बेटा किससे? ओ पी से। ओ क्यू जो लाइन है, बहुत ध्यान से सुनो, ओ क्यू जो लाइन है वो ग्रेटर देन है ए पी से, यस मैम। मतलब ओ पी छोटा हुआ। अब फिर से एक बात बताओ, फिर से एक और बात बताओ कि जो ओ पी है वो क्या ओ सी के इक्वल है? तो ओ पी की जगह हम क्या रख सकते हैं? ओ सी रख सकते हैं, यस मैम हमने रख दिया। तो अब यहाँ से हमारे पास दो तीन बातें निकल के आई, क्या कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ओ एन ओ सी से बड़ा है और ओ क्यू भी ओ सी से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? मतलब यहाँ पे हमने दो बारी प्रूफ कर दिया कि ओ सी छोटा है। ओ सी क्या है? छोटा है, ठीक है, ओ सी छोटा है। अब सपोज करो यहाँ पे भी कोई लाइन बना लो, 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 मतलब सेंटर से टेंजेंट पे कहीं भी लाइन बना लो, ओ सी इज द शॉर्टेस्ट, ओ सी इज द शॉर्टेस्ट। अब हमें यही तो प्रूफ करना था कि ओ सी छोटी लाइन, अगर ओ सी छोटी लाइन है तो हम कह सकते हैं ओ सी अगर छोटी लाइन है, ठीक है, ओ सी इज शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट लाइन है सो वी कैन से कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू बेटा किस पे? ए बी पे। और यही हमें प्रूफ करना, बस आपको दो बारी प्रूफ करके दिखाना है कि ओ सी छोटा है। तीन बारी करना है, तीन बारी कर लो, चार बारी करना है, चार बारी कर लो, टाइम वेस्ट है, दो बारी कर लो, बहुत है। समझ गए बात? तो ये होता है बेटा आपका प्रूफ, ठीक है, और प्रूफ आता है बहुत बारी, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि मोस्ट 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 कितना ही बोल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही थ्योरम है आपकी। देख लो, देख रहे हो पूरी यहाँ पे लाइन भर दी हमने, कितनी बारी आ चुकी है, और यहाँ पर तो 17 तक है, उससे आगे भी आई है, पिछले साल भी आई है, और इस बारी प्री बोर्ड में भी आई है, ठीक है। तो समझ गए आप तो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो समझो आ जाओ क्या क्या होता है इसका प्रूफ और क्या कहती है थ्योरम। देखो भाई, सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है इससे भी, कि अगर मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसे कितनी टेंजेंट पास होती है? हमेशा दो ही टेंजेंट पास होती है। कितनी टेंजेंट पास होती है एक्सटर्नल पॉइंट से? एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास होती है भाई? दो टेंजेंट पास हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं मेरा एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, और ये जो दोनों टेंजेंट होती है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लेते हैं बी है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, सी है, ठीक है। ध्यान से सुनो, थ्योरम कहती है कि अगर मान लो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट पास होती हैं तो वो दोनों की दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब हमें प्रूव ये करना है, क्या प्रूव करना है, ध्यान सुनो, प्रूव ये करना है कि जो आपका ए बी है बेटा वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, ठीक है, थ्योरम ये कहती है। आप प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनो, हम यहाँ पे लेते हैं दो ट्राइंगल। कैसे दो ट्राइंगल? पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो, सेंटर बनाया, इनको यहाँ से ज्वाइन कर दिया और इनको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट ले लो, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, और इन ट्राइंगल ए ओ सी। अब दोनों ट्राइंगल को करेंगे कॉन्ग्रेंट, लाइन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, तो अगर कॉन्ग्रेंट कर दोगे तो अनइक्वल साइड्स और अनइक्वल एंगल इक्वल हो जाते हैं, बाइसेप्टिसिटीज ऑफ, वही करना है। कॉन्ग्रेंसी के लिए सबसे पहले तीन बातें पता होनी चाहिए, तीन बातें यार बता दो कैसी होंगी। सबसे पहले तो यार ओ बी ओ सी के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, रेड आई है, रेड आई है, ठीक है, सेम सर्कल की रेड आई है, यस मैम, और कुछ कॉमन भी तो आ रहा है, ओए ओए दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। और तीसरी बात बता दो यार, अब तीसरी बात अगर आपने लास्ट वाली थ्योरम अच्छे से समझोगी तो वो आपको पता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर गिरती है 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, मतलब एंगल बी भी 90 है और सी भी 90 है, तो ये हो गया 90 इच। तो बाय किससे? आर एच एस से, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ट्राइंगल ए ओ बी इस कॉन्ग्रेंट टू ए ओ सी, ठीक है। अब कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सी पी सी डी से साइड्स तो इक्वल हो ही जाएंगी, ए बी बेटा किसके इक्वल हो गई है? ए सी के। कैसे? बाय सी पी सी टी, बस यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, एक सेकेंड, ठीक है, यही हमें क्या करना था भाई, प्रूफ करना था।
समझ आ गई, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसके अलावा ना कुछ और भी चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें जो कि इसे मतलब थ्योरम में नहीं है, थ्योरम से अपार्ट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए, तो उसको भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, ये आपकी थ्योरम हो गई। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रही हूँ जो कि इसी से होने वाली है। यहाँ पर ना मैं कुछ पॉइंट डिनोट करती हूँ। यहाँ पर एंगल वन है, सपोज करो यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है, और यहाँ पर बेटा क्या है, फोर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक बात बताओ, अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्गोनेट कराए, कॉन्ग्रेंट कराए, तो क्या वन टू के इक्वल हो जाएगा? कैसे? बाइसिपिसिटी से। तो हम यहाँ पे ये वाला कह सकते हैं कि एंगल वन टू के इक्वल हो जाएगा, और बेटा थ्री भी किसके इक्वल हो जाएगा? फोर के। थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? फोर के। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ से दो और बातें समझ ली। समझ ली क्या दो और बातें? यस मैम, समझ ली। ठीक है, ये आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा। बिना प्रूफ के सीधा अगर एम सी क्यू क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा डायरेक्टली बोल सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। समझ गए बात? ठीक है भाई, अब आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, बहुत ध्यान से सुनते जाना। फिर से आपके पास एक सर्कल है, मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट कवर करूँगी आपके लिए। ठीक है, चलो फिर से आपके पास क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, उसे दो टेंजेंट पास हो रही है। अरे यार ये फेक, तो टेंजेंट्स नहीं बनती हैं। ठीक है, चलो भाई बन गई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जा रही है, ये जा रही है, यहाँ पे पास दो टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे पास सेंटर है, ये ए है, बी है, सी है। ठीक है, और ये मान लेते हैं डी है। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ये आमने सामने वाला एंगल है, ये जो आमने सामने वाला एंगल है, मतलब ए डी सी और प्लस में ए बी सी जो है ना, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं ये जो आमने सामने वाला एंगल है। कैसे होते हैं भाई आमने सामने वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ शॉर्टकट तरीके से, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो हम आगे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में सॉल्व करेंगे, और ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक बात होता है, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चार साइड की फिगर है, तो हम कहते हैं कि चारों एंगल का सम, चारों एंगल का सम बेटा क्या होता है, 360 हो जाता है। यस मैम, हो जाता है। अब एक बात होता है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरी है 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल ए बी 90 है, सी बी 90 है, तो यहाँ पे भी 90 रख दो। ये इसको हम ए बी सी बोल सकते हैं, ये भी 90 है, और इसको हम बोल सकते हैं ए डी सी। ठीक है भाई, ये 90 और 90 180 हो जाएगा, प्लस का 180 उधर आके माइनस। ठीक है, तो 360 में से अगर 180 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया, 180। देख रहे हो, तो यहाँ पे दोनों का सम कितना आ गया, 180। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया, चारों क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। ठीक है, वो दो 90 दे रखे, ये करा तो ये आ गया हमारा 180। कौन से समझ रहे हो? सीधा आपको एम सी क्यू में आपको ये वाला एंगल दे देगा, एक मान लो 70 दे दिया, आपको बताओ ये वाला एंगल कितना है, बताओ भाई कितना है, 110 होगा, 180 में से 70 माइनस कर दो, 110 आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई कुछ और कॉन्सेप्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है, जो कि सबसे पहले हिरोन्स फॉर्मूला सुन लो। हिरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हिरोन्स फॉर्मूला वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि आपके पास ट्राइंगल दे रखा है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी सी है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। ठीक है, फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस का सी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यस मैम, दूसरे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो वो क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा यार, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू में और क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं क्वेश्चन में। ठीक है, उसके अलावा एक 9th का और कॉन्सेप्ट है। 9th का और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फॉर्मूला है, थ्योरम है वैसे बेसिकली, कि अगर मान लो एक सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर पर एंगल बन रहा है, और इसी से आपके पास सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है। किस पे एंगल बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है। मान लो ये ए ओ बी है, और ये मान लेते हैं आपके पास सी है। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि जो आपका ए ओ बी है, जो एंगल है, जो ए ओ बी एंगल है, वो किसके इक्वल है, टू टाइम्स ऑफ ए सी बी के। किसके इक्वल है, टू टाइम्स ऑफ ए सी बी के। समझ रहे हो, सेंटर पे एंगल, और उसी से आपके पास सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है, तो ये आपका ए ओ बी है, तो वो आपका हो जाता है 2x। ठीक है, मतलब ये x है, तो ये आपके पास कितना हो गया, 2x हो गया। ये आपका 9th का कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत बार यूज आने वाला है। समझ गए बात को? तो ये थे बेटा आपके पास सारे के सारे थ्योरम्स और सारे के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम भी लिख देती हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पे यूज होती है बहुत। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही होगी आई होप, है ना,
पाइथागोरस थ्योरम तो आई हो पता ही होगी, फिर भी हम लिख देते हैं यार, क्यों बच्चों को हम तकलीफ दें इतनी। एच स्क्वायर इक्वल में पी का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाता है, बी का स्क्वायर हो जाता है। दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, देख लो एक बारी। देखो इसमें आपका यूज होने वाला है ये 58 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी निकाल लोगे, फिर यहाँ से आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको कॉमन टेंजेंट बतानी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको प्रूव करना पड़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्पल में भी है, बहुत बारी पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये देखो इसमें आपको लेंथ ऑफ बी सी बतानी होती है, ये भी देखो ये आपको साइक्लिक वही है, ये आपको क्या करना है, ए ओ बी पी इज अ साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक क्या होता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 180 होते हैं। इसमें वही आपको प्रूफ करना है जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें आपको देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज होने वाला है, ठीक है देख लेना जो भी यूज होगा इसमें। फिर इसमें देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बुक का क्वेश्चन है ये भी, देख रहे हो ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है आपका सारे। देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास क्वाड्रिलेटर है, उसमें एक सर्कल बन रहा है, तो इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये जो अपोजिट एंगल है ये भी बेटा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्वाड्रिलेटर के अंदर अगर सर्कल होता है तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं बेटा ये भी क्या होते हैं, एक तरह से सप्लीमेंट्री होते हैं। ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से सुन लेना। ठीक है, प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ये भी आपका देखो कितनी बारी क्वेश्चन आ चुका है, 12, 13, 14 MCQ है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी पास होती है, देख रहे हो सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। देखो देखो 110 है, वहाँ पे कितना आएगा, इजीली बता पाओगे, 70 आएगा। यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने ये बताया कि क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल होगा, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। 180 में से 135 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हलवा है, कुछ नहीं है ये चैप्टर। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गए, थ्योरम समझ आ गई ना आपको, तो बिल्कुल बहुत आसानी से चैप्टर आप कर लोगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हो जाता है हमारी पूरी कॉन्सेप्ट वीडियो खत्म। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो भाई वीडियो का लाइक कर देना, अगर PDF चाहिए तो जैसे कि मैंने बोला टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मतलब जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।